ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशनम। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज हमारे देश के लिए एक अच्छा सा साइडी हो जाए कि अर्ज किया है कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कि कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की शान का, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा है ये हिंदुस्तान का। तो गाइस एक बार हम लोग फिर से आ चुके हैं स्कॉट वर्सेस स्कॉट का गेम प्ले लेके, और भाई साहब उतरते के साथ ही मेरे को एक बंदा मिल जाता है, और बंदे को क्या छोड़ना थोड़ा थोड़ी चाहता है, उसे सीधा लॉबी पहुंचाते हैं, और सीधा मैंने उसे लॉबी पहुंचा दिया। खैर थोड़ी लूटपाट कर लेते हैं, और यहाँ पे देखो ये वाले बंदे को ऐसा लग रहा था किसी लड़की को देख लिया और भाई साहब उसके पीछे भाग रहे हैं। खैर कोई नहीं, पड़ी है उसे, लेकिन नॉक नहीं हुआ साला। सबसे पहले तो उसे आगे जा कर के नॉक देंगे। अबे नॉक हो जा बे। तो गाइस यहाँ पे ये बंदा नॉक हो गया, मतलब समझ रहे हो ना, मेरे को फ्री का किल मिल जाएगा। हत्या बंदे को वैसे भी हम अकेले ही मार सकते हैं, लेकिन गन वाले बंदे को हम अकेले नहीं मार सकते, उसके लिए हमें टीममेट की जरूरत पड़ती है। सही बात है। थोड़ी लूटपाट कर लेते हैं। तो गाइस वहाँ से लूटपाट करते हुए गाड़ी में सैर सपाटा करते हुए जा रहे थे, और तभी गाइस यहाँ पे ये देखो, मतलब दो बंदा आया और भाई साहब मेरे टीममेट को नॉक करते हुए उड़ा के सीधे चला गया। रुक जा साले, तेरे को बताती हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया एंड दूसरा बंदा को भी नॉक कर दिया। अब मैं गाड़ी फोड़ूंगी। तो गाइस मुझे यहाँ पे किल मिल चुका है, जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने बंदे को कैसे ही प्रो कत्ते ही प्रो लेवल के बंदे को मैंने मतलब अकेले ही खिला दिया। तो तीन नंबर कितना लूट करता बे, थोड़ी लूट हमारे लिए भी छोड़ दे। लूट लिया, कुछ नहीं छोड़ा बे, बेशरम इंसान, बंदे को मारा मैंने और लूट तुमने की, छोड़ी बच्ची हो क्या? कोई नहीं गाइस, अब लूट कर ली तो कुछ नहीं बोल सकते, हमारा ही टीममेट है। इस पेटी में कुछ भी नहीं है, तो चलो थोड़ी बहुत एमो तो मिल गई। और गाइस यहाँ पे मैं लूट पाट कर ही रही होती कि तभी दूर पे एक बोट दिखाई देता है, और गाइस इस बोट को मारने के चक्कर में मैंने अपनी पूरी एमो वेस्ट कर दी। मतलब इतना एमो वेस्ट में अगर मैं बंदे को मारने में करती ना, तो रैंडम के टीममेट के मुंह से मैं ना खुद को प्रो बोलते हुए सुनती। इस वहां से हम निकलते हुए यहाँ पोचिंग आए थे, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बंदे नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बंदे हो, और तभी मेरे टीममेट यहाँ पे फायर करते हैं, और तभी आगे से फायर आती है कि यहाँ पे नहीं बंदे हैं, लेकिन हमारा स्प्रे यहाँ पे कोई काम नहीं करता। तो मैंने सोचा आगे चल करके देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे सीधा गाड़ी ठोकूंगी, और ठोकते के साथ ही मैं अंदर जाके सबसे पहले तो मैं बंदों को मारूंगी। पे बंदे है कहाँ पहले दिख जा, ऐसा कोई नहीं, सबसे पहले हम इसका पिछवाड़ा जलाते हैं। को पता ही नहीं जलेगा, लेकिन मौली करने में क्या जाता है, हमारा थोड़ी कुछ जाता है। गाइस यहाँ पे इस वाले बंदे को देखो, नहीं मतलब ऐसा लुका छुपी कौन खेलता है। अबे कहाँ कर रहे थे चाची जी यहाँ पे बैठ के, चाची जी का इंतजार कर रहे थे क्या? खैर कोई नहीं, इसकी तो पेटी हमने बना दी, बेचारा लॉबी में अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा होगा, मतलब उसका ही वेट कर रहा था ना यार। खैर गाइस सामने भी एक बंदा है, अबे कहाँ चला गया? गाइस यहाँ पे दो बंदे हैं, अरे टीममेट आ जाओ, तुम्हारे बिना हम अकेले कुछ भी नहीं है। अबे ये नेट तो उसके बंदे पे मुंह पे जरूर फटेगा, फट जा, नहीं फटा। अबे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा नेट कभी फटता क्यों नहीं बंदों के मुंह पे। अरे बंदे है कहाँ, भाग गया। अबे साला कितना नचा रहा है बे। तो कैसे सामने वाले घर में बंदा है, अभी हम मारेंगे साले को, भी रुक जा। नहीं बहुत डांस करवा लिया, बहुत ज़्यादा ही, अब हमारे कमर में दर्द हो रहा है। अच्छा अबे दो दो बंदे आ गए, तीन तीन बंदे। गलती कर दी घुस के, ये देखो गाइस। अरे ओ चचा, कैंपिंग करनी बुरी बात है, कैंपिंग नहीं करनी चाहिए। गाइस अभी भी और भी बंदे हैं, और भी बंदे हैं भाई, हमारी फट रही है, मेरे को नहीं लगता बंदे हैं यार। हाँ तो गाइस थोड़ा बहुत पहले ड्रिंक कर ही रहे थे कि यहाँ पे एक गाड़ी आई हुई थी जिसमें एक बंदा था, और वो बंदा साला सामने वाले घर में बैठा हुआ था। अबे निकलेगा मैं, मेरे को ही जाना पड़ेगा। खैर कोई नहीं गाइस, हम स्मोक करके उसे अंधा करके हम बुलाएंगे। अबे निकल जा, अबे रुक जा रुक जा, कहाँ भाग रहा है? गाइस देखा ना मैंने स्मोक के अंदर बंदे को नॉक कर दिया, कैसे मतलब है ना एकदम प्रोनेस वाले स्प्रे का कमाल।
अबे लुढ़कते लुढ़कते कहाँ जा रहा है, सबसे पहले तो लॉबी निकल। चौचक लूट लाया, एकदम मस्त लूट लाया भाई, 4x 3x नीट सब है। और गाइस यहाँ मिलिट्री बेस में लास्ट जोन बना हुआ था, और यहाँ पे बंदे बहुत सारे थे, मतलब साले सब सांप बने हुए थे। सपोले बन के चले जाए, मतलब नागिन बन के चलते हैं, तो ऐसे क्या होता है, हमें बंदे देखते नहीं और बंदे को आसानी से ठिला सकते हैं। अभी कोई है नहीं ना, अभी आगे पीछे तो कोई नहीं है। हाँ तो गाइस ये हमारे नागिन बन चुके हैं। अबे पीछे से कौन नाग है गाइस, दिखा नहीं, मतलब पूरी गेम में मैं एक नागिन नहीं हूँ, हमारे बदले और भी बहुत सारे नाग हैं यहाँ पे। अबे साले कमीने, उठ के खेला जाए, नाग बनने की क्या जरूरत है, गेम में नाग थोड़ी कोई बनता है। और गाइस यहाँ देखो ये सामने से बंदे, अरे वो चचा आगे पीछे देख के चला करो, हम भी हैं यहाँ पे। खैर कोई नहीं गाइस, उसे तो हमने सस्ते में निपटा दिया, लेकिन अभी और भी बंदे हैं, तो यहाँ पहले हम कैंपिंग कर लेते हैं, थोड़े ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं। अभी बंदे पीछे, अरे गाड़ी आई, अबे आज साले देख लेंगे, सारे को सारे देख लेंगे, आगे भी गाड़ी आ गई। गाइस अब मेरे को ऐसा लगता है मैं बचने नहीं वाली हूँ, मैं मर जाऊँगी, तो हम पहले घास में एडजस्ट हो जाते हैं ताकि हम किसी को दिखे नहीं। ये जगह हमारे लिए ठीक है, अरे टीममेट को नॉक कर दिया, अभी रुक जा यार। अरे मार दिया साले चूतिये कमीने कुत्ते।